press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। मेरे मिथुन राशि वाले मित्र अपना नवंबर 2019 का मासिक राशिफल जानने के लिए व्याकुल होंगे, तो चलिए मित्रों हम आपको बताते हैं जेमिनी अर्थात मिथुन राशि का नवंबर 2019 का मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले बात करते हैं मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, यानी कि इंडिविजुअल लाइफ, यानी कि ओवरऑल मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। व्यक्तित्व में विकास के लिए और उन्नति के लिए जिस आवश्यक पृष्ठभूमि की आवश्यकता पड़ती है वह लगभग तैयार है। आप चाहें तो साहसी फैसला लेकर कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। इस समय संसाधन भी उपलब्ध हो सकते हैं, मित्रों का सहयोग भी मिल सकता है और शासकीय या संस्थानिक मदद भी मिल सकती है। पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा रहेगा, जब सूर्य वृश्चिक राशि में रहकर आपको प्रतिस्पर्धा के समय में अच्छी स्थिति में ला देंगे। इस समय हर कदम सावधानी पूर्वक उठाना होगा और बृहस्पति चाहते हैं कि आप सलाहकार वर्ग का ध्यान रखें, अच्छी सम्मति लें, व्यवसायिक सलाह पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। राशि से सप्तम गुरु शनि और केतु की युति आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, कुछ बाधाओं के निवारण के उपाय मिल जाएंगे और भाई बहनों से व मित्रों से सहयोग का रास्ता खुल जाएगा। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी हिचक रहेगी, परंतु आपको उन्हें समझना पड़ेगा, परंतु इतनी मशक्कत आपको अपने से बड़े या वरिष्ठ लोगों को समझाने में नहीं आएगी। मित्रों अब बात करते हैं मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों के जॉब बिजनेस यानी कि व्यवसायिक जीवन के बारे में। व्यवसाय के दृष्टिकोण से पहला सप्ताह ठीक ठाक जाएगा, परंतु अर्थ प्राप्ति में थोड़ी सी समस्या रहेगी, लेन देन के मामले प्रमुख हो जाएंगे। अब बृहस्पति ऋण भाव से बाहर आ चुके हैं, तो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं का समाधान भी दिखने लगेगा। दूसरा सप्ताह अधिक अनुकूल है, क्योंकि अचानक आ गई आर्थिक समस्याओं से निकलने का आपको कोई समाधान दिखने लगेगा। एक तरफ तो बृहस्पति वृश्चिक से धनु में आ गए हैं और उधर बुध वक्री होकर वृश्चिक से वापस तुला में आ गए हैं। किसी अचानक धन प्राप्ति की संभावना बनती है, परंतु इसमें थोड़ी बहुत तिकड़म की आवश्यकता पड़ सकती है। तीसरा सप्ताह थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि वक्री बुध अपने नीच नवांश में आकर लाभ को सीमित कर देते हैं और नई समस्याएं उभार देते हैं, परंतु तीसरा सप्ताह बीतते बीतते आपकी समस्याओं का समाधान दिखना शुरू हो जाएगा, संतान संबंधित समस्याओं का हल दिखने लगेगा और अंतिम सप्ताह तुलनात्मक दृष्टि से ठीक जाएगा। अब राशि से सप्तम में चार ग्रह हैं, मंगल और शुक्र अच्छे नवांशों में आ गए हैं और आपका लाभ मार्ग या दैनिक आय और भी प्रशस्त हो गई है। इस समय नवीन योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है। मित्रों अब बात करते हैं मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों के रिश्ते नातों की अर्थात रिलेशनशिप्स की। रिश्ते नातों के दृष्टिकोण से महीना अच्छा है, पूरे महीने आप जनसंपर्क बढ़ाने में लगे रहेंगे, ज्ञात अज्ञात कारणों से नई मित्रताएं बनेंगी और उसकी आड़ में करीबी लोगों से भी व्यवसाय की बात करेंगे। निजी रिश्ते परवान चढ़ेंगे, परंतु खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे। यदि अविवाहित है तो सगाई संबंध की चर्चा मदस्तूर जारी रहेगी, यदि विवाहित है तो जीवन साथी के काम में लाभ होगा और उधर साझेदारी के काम में भी लाभ होगा। इस महीने चाहे नजदीकी रिश्तेदार ही हो और चाहे दोस्ती के रिश्ते, सपने गढ़ने और दिखाने में अपनी ऊर्जा का व्यय करेंगे। मित्रों अब बात करते हैं मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में अर्थात हेल्थ के बारे में। आमतौर से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुजुर्ग है तो संधिवात और अगर युवा है तो पित्त संबंधी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती हैं। सूर्य मंगल साथ हैं और उनके कारण पित्त का प्रकोप बढ़ता है। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं
हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटूलाला, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।